भारत के विशाल और घने जंगल सांपों को अनुकूल निवास स्थान प्रदान करते हैं। भारत में सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 50 प्रजातियां ही विषैली है। इनमें से भी लगभग 15 प्रजातियां ही ऐसी है जो बहुत अधिक विषैली है और इनके काटने पर मृत्यु तक हो सकती है। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 46,000 लोग इन विषैले सांपों के काटने से मारे जाते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के 6 सबसे विषैले सांपों के बारे में जिसके काटने से मृत्यु निश्चित है। इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा को भारत में नाग के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे विषैला सांप है। यह ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गाँव के आसपास रहते हैं। यह रेंगने वाले जीवों को, छिपकलियां को और मेंढकों को अपना शिकार बनाते हैं। इंडियन कोबरा सांप को हिंदुओं में पूजा भी जाता है। भारत में हर साल लगभग 15,000 लोग इनके काटने से मारे जाते हैं। इंडियन क्रेट। इंडियन क्रेट भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसके एक बार काटने से इतना जहर निकलता है जिसे 60 लोगों की जान जा सकती है। इस सांप की 12 प्रजातियां हैं और 5 उप प्रजातियां होती है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 लोग इनके काटने से मारे जाते हैं। रसल वाइपर। रसल वाइपर को भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन क्रेट से कम जहरीला है, फिर भी यह सांप भारत का सबसे घातक सांप है। यह बेहद गुस्सैल सांप बिजली की तरह तेजी से हमला करने में सक्षम है। इसके काटने की वजह से भारत में हर साल लगभग 25,000 लोगों की मौत हो जाती है। सौ स्केल्ड वाइपर। सौ स्केल्ड वाइपर नाम का यह सांप लंबाई में छोटा होता है, लेकिन अपनी गुस्सैल, चिड़चिड़ी और अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति और इसकी घातक जहर शक्ति इसे बहुत खतरनाक बना देती है। भारत में यह सांप सालाना लगभग 5,000 लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार है। द किंग कोबरा। यह सांप भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई लगभग 13 से 15 फुट होती है। ये ज्यादातर वर्षावनों, नम जंगलों, शांत दलदलों और बांस के वनों में रहते हैं। हालांकि ये बहुत विषैले और घातक होते हैं और इनके काटने पर मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती है। यह बहुत ही कम लोगों को काटते हैं। इंडियन पिट वाइपर। इंडियन ग्रीप पिट वाइपर को भारत में बम्बू वाइपर या ट्री वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप मुख्य रूप से झाड़ियों में और बांस के पेड़ों पर रहते हैं। यह सांप मेंढक, छिपकली और कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। इन सांपों की लंबाई लगभग 2.5 फीट होती है। इंडियन ग्रीन पिट की प्रजाति ज्यादातर भारत के पश्चिमी घाट पर पाई जाती है।